चलते हैं स्कूल, हो गए रेडी। ऑल गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी ये मेरा बस्ता है और मैं स्कूल की ड्रेस पहन के उठी हूं आज। बिल्कुल पापा ओ लंच रेडी नहीं किया चिका, सॉरी। अभी थोड़ी देर के लिए खेल है, हम लंच लगा लेते हैं क्योंकि मैं छोले रख दिए थे उसके ठंडे होने के लिए। अभी मैं इसका लंच लेट हो गई हूँ बहुत ज्यादा। मैंने सोचा रुचिका का लंच मैंने सुबह आपको रख दिया। This is my lunch. मैं पता स्पीड से सो गाइस हम लिफ्ट को बुला लेते हैं। लिफ्ट के इसका एक ही है, तो जल्दी आ जाएगी। थैंक गॉड। बाय। ये ले। सो गाइज आज मैंने दिन में व्लॉग में कुछ भी नहीं बना पाई हूँ और स्कूल से आने के बाद मैं तुरंत सो गई थी मेडिसिन लेके, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और मैं उठी हूँ 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद जितना भी हो पाएगा मैं उतना व्लॉग बनाऊंगी और आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। कुछ ऐसा तो होगा ही जो आप लोगों को पसंद आए। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ्लावर्स हैं ये मैं कल लेके आई थी, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, वैसे मुझे ज्यादा इन चीजों की शॉपिंग करनी आती नहीं है। दिखा। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, श्रीमान जी गए हुए हैं और अभी रुचिका भी जा ही रही है और भाई मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे सिर में भी दर्द है और मैं जाना भी नहीं चाहती। मैं यही बैठे बैठे आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगी, दिखा दूंगी जो ये लोग वहां जाके धक्के खा के देख के आएंगे, है ना। तो और बाकी का आप लोगों ने देख लिया मेरा फ्लावर कैसे सेट किया है मैंने। और अभी तो हमारे बुद्धा जी भी बिल्कुल चमकदार हो गए हैं और मैंने अपना मंदिर भी सेट कर दिया है, तो मैं आपको आज अपना मंदिर भी दिखाऊंगी। तो दिखाती हूँ आपको अपना मंदिर जो कि मैंने पेंट वेंट करके बिल्कुल सेट कर दिया और आज मैंने उसमें अपने कान्हा जी भी स्थापित कर दिए, मतलब उनको बिठा दिया है जो कि 2 दिन से दूसरी जगह बैठा रखे थे, आज वो मंदिर में आ चुके हैं। तो आज मैं उनको भी दिखाने वाली हूँ और साथ में तो गाइस ये फ्लावर मैंने लिए थे कल रात को, हम लोग लेके आए थे, बट मुझे ना ज्यादा इन चीजों की शॉपिंग करनी आती नहीं है, बट फिर भी मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो आप लोग बता देना कमेंट करके कि कैसे लगे। और दूसरा हमने अपने पिता जी को रेडी किया मतलब रेडी तो यार ये ऑलरेडी है, बट हाँ इनके अंदर जो इनकी वो होती है खुशबू वो डाला है लिक्विड जूस। तो
बाइकर। अभी क्या हो रहा है तुम्हारा? यूनिक पावर टू कनेक्ट योरसेल्फ टू बी ए यूनाइट योरसेल्फ। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी मस्ती जोश जज्बा और जुनून के साथ हम आप सभी के लिए बहुत कुछ स्पेशल लेकर आते चले जाएंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी के लिए, बहुत ही डिलीशियस हाई टी भी बहुत ही जल्द रेडी हो जाएगी, सो प्लीज बी विद अस फॉर अ वाइल, बने रहिएगा हमारे साथ। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेंटर पे हमारे साथ जो भी डिग्निटरीज मेंबर मौजूद हैं, हमारी जो भी टीम मेंबर्स मौजूद है, प्लीज आप सभी अपने अपने रिस्पेक्टेड एरियाज तक पहुंचे, क्योंकि बहुत ही जल्द बिग मैच CA BD वर्सेस ACL मैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी डिग्निटरीज अपनी सीट की वीडियो को थाम लीजिए, दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए। Very soon we are going to begin the big match, the friendly match between CA BD versus ACL. वही तो है, देखना खा ली मैंने 3-4 मैच उसमें। मिर्ची सो भाई, ये दोनों पापा बेटी तो खाए हैं खाना, रह गई मैं अकेली, तो देखो मैं कैसे खाना खा रही हूँ, चटनी रोटी। ओ रुचि, कपड़े पता है उसी हिसाब से पहन के जाने पड़ते हैं। मैं सूट पहन के चलती थी वहां पे, है कोई नहीं पहन के आ रहा होगा ना सूट, सबकी स्पोर्ट ड्रेस होगी ना, और वो मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैं गई नहीं। तो एक ट्रैक सूट पहन लेती रुचि वाला, ऊपर टी शर्ट। रुचि कहाँ यार, मैं कहाँ, तो मेरा वो ब्लू टी शर्ट आपका पहन के जाती। वाओ यार ये बहुत अच्छा, पता है अपना ड्रेस कोड भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं जाने के लिए, ऐसे ही नहीं जाता। मनोज तिवारी भी मुझे पता है स्पोर्ट ड्रेस में ही आ रहा था। हाँ व्हाइट तो मैंने देखी अभी, तो व्हाइट है तो बस व्हाइट, मतलब नॉर्मली वो नहीं था कि बिल्कुल रेडी होके कोट पैंट पहन के आ रहा, वो तो वाओ। हाँ नॉर्मल तो उसके लिए वहाँ टी शर्ट वो मिलती है, लेकिन वो टी शर्ट छोटी साइज मिलती उसकी नाम लिख रखा था उस पर मनोज तिवारी, पीछे साइज नहीं पता था उन लोगों, साइज छोटा था। सो गाइस मैं वो वीडियोस दिखाऊंगी, रुचिका ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है उसका, पता नहीं उसने रुचिका लिया है रुचि ने उसका, आई डोंट नो, उन्होंने मेरा लिया, मैंने बताया कि। और क्या बोल रही थी तू, तूने वो संदीप लूनी की लाल चटनी, और ये माय फेवरेट सैलेड खाने के साथ फ्रूट चाट, सॉरी मेरे लिए सैलेड है, मस्त मजा आ गया। सब फेरेस के सामने नहीं हुआ, कितना घी खाऊं मैं, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, खा के इतने इतने लूनी घी ने। ये चटनी केला रोटी के ऊपर लूनी घी दोबारा, खा के देखना केले के साथ में, केला चटनी रोटी खा के देखना टेस्ट। सो गाइज इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं हम यहीं पर, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, देन मॉर्निंग में करूंगी इसे पोस्ट, और तब होगा क्या होगा पता, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में होने वाला है बहुत कुछ स्पेशल सा, जो कि अगर मैं इस व्लॉग में डालती तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता, सो मैंने उसको डिवाइड करके नेक्स्ट ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया है, और उसे देखने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियोज में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। Bye, take care.